का मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी लोग हैं जो हमको नेम और फेम देते हैं। मेरा नाम है शंतनु भंभरे। मैं आज जो रोमांटिक एल्बम रिलीज़ हुआ है तेरिया सिटी में, उसका प्रोड्यूसर हूँ और एक्टर हूँ। मेरे पास और एक प्रोजेक्ट है रेड हिंदी फीचर फिल्म, जिसमें मैं जेलर का रोल अदा कर रहा हूँ फेमस कमलेश सावंत जी के साथ। और ये हमारा वीडियो आज रिलीज़ हुआ है, इसको प्रेजेंट किया है संजय अमान सान म्यूज़िक ने। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये प्रेजेंटर बने और ये वीडियो को बहुत सारा प्रमोशन और मार्केटिंग संजय अमान जी करेंगे और ये वीडियो को करोड़ सब व्यूज़ मिलेंगे, उसके लिए वो मेहनत करेंगे। उसके लिए मैं संजय अमान जी को बहुत सारे धन्यवाद देना चाहता हूँ। खरे जी हमारे पीआर है, वो सब मेरे सब प्रोजेक्ट का मीडिया संभालते, सब पीआर संभालते। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनीत खरे के साथ हमारे पुष्कर जी जुड़े हैं, हम सब साथ में मिलकर हर प्रोजेक्ट में काम करते हैं। पुष्कर जी थैंक्स, आपने एक सवाल पूछा। मैं और एलिना हम पहले दुबई में मिले थे 6 साल पहले, तब मैं बिजनेस ट्रिप पे था और वो हॉलीडे मना रहे थे, तो मैं उनको पहली झलक में मुझे वो पसंद आई, तो इट वॉज़ लाइक अ लव एट फर्स्ट साइट, और आप उसको क्रश बोलो तो इट वॉज़ लाइक अ क्रश। तो तब मैंने एलिना को बोला कि आई लाइक यू और मेरा आपके ऊपर क्रश है, तो उनको भी पता चला कि मेरा उनके ऊपर क्रश है। तो तब बॉलीवुड में पूरे आए नहीं थे, मॉडलिंग में थे, इंटरनेशनल मॉडलिंग करते थे, और मेरा भी एक सपना था कि मैं बॉलीवुड में कुछ फिल्म प्रोड्यूस करूं। तब मैं एलिना को दुबई में मैंने प्रॉमिस किया था कि हम एक मूवी बनाएंगे, तो भगवान की कृपा से हम और मुंबई में मिले और टू स्टार्ट विथ मैंने एलिना के साथ कपल होके ये रोमांटिक एल्बम बनाया तेरी आशिकी में। और जो भी हमारा दुबई से मुंबई तक जो मुलाकात है, हम मिलते थे जुलते थे, अच्छे फ्रेंड है और वो मेरी क्रश है, तो जो मैंने उनको वादा किया है कि मैं उनके लिए एक फिल्म बनाऊंगा, तो फिल्म का नाम भी तेरी आशिकी में रहेगा। वो जल्द हम फिल्म मे बी लंदन में या दुबई में कुछ पार्ट शूट किया जाएगा, वो फिल्म भी जल्दी आएगी। ये मैंने एलिना को प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस आप फुलफिल होते हुए देखोगे वीरू सिंह फिल्म में भी होगा, क्योंकि इतना रोमांटिक है और जब हम ये फिल्म बनाएंगे तब तक ये ऑलरेडी फेमस हो चुका होगा, तो उसका फायदा फिल्म को भी होगा और ये फिल्म भी सुपर हिट होगी, ये मुझे पूरी उसकी खातरी है। सेट पे कैसा माहौल था? सेट मतलब सेट पे एलिना बहुत सपोर्टिव है, हर सीन में वो अच्छा सपोर्ट देती थी और हर सीन में वो सीन संभाल लेती थी। और आप देखोगे ये वीडियो देखने के बाद हमारा दोनों का जो नेचुरल या आप बोलो कि एक अलग तरीके का केमिस्ट्री, आपको ये नेचुरल केमिस्ट्री ये गाने में दिखने को मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले मिले थे दुबई में और वो मेरी क्रश है, तो नेचुरली केमिस्ट्री थोड़ी हट के रहेगी, तो एक डायनेमिक केमिस्ट्री आपको ये गाने में देखने को मिलेगी। कहानी ये गाना ही तेरी आशिकी में है, गाना प्यार का गाना है, सारी लव की बातें हैं तेरी आशिकी में। ये भी दीवाना है तेरी आशिकी में, हीरोइन भी दीवानी है, तो इसमें दोनों एक दूसरे को रोमांस के मूड में देख रहे, तो हमने रोमांस इस्टेब्लिश किया है, दोनों की मोहब्बत इस्टेब्लिश की। तेरी आशिकी में इज़ ऑल अबाउट आशिकी, जो हमने कोशिश की है पिक्चराइज कर। केमिस्ट्री तो शांतनु एलिना को पहले से जानते थे, शांतनु और एलिना शायद पहले दुबई में मिले थे, तो शांतनु ने मुझे मिलाया एलिना से, और एलिना को मिलके भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसकी हिंदी अच्छी थी और वो बात करती थी तो लगता था जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन बात करी। तो मैंने इससे कहा कि शी इज़ समथिंग, शी इज़ गॉट सम मैटर इन, प्लस शांतनु पूरी उम्र कॉर्पोरेट रहा, ऑफिसर रहा, ही वॉज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इनके लिए थोड़ा चेंज ओवर में टाइम लगा, बट नाउ ही इज़ गेटिंग इन टू दैट मोड, तो इसको हमने चेंज ओवर किया है और इन्होंने ब्रिलियंट काम किया है, एंड दैट्स वाई आई डिड दिस एल्बम। आई सेड यंगस्टर्स के साथ और क्या बंजे हुए कलाकारों के साथ तो सब करते हैं और पास हो जाते हैं, लेट्स डू समथिंग चैलेंजिंग। तो हमने कोशिश किया कि शांतनु को एक नया लुक दी जाए, और शांतनु हैज़ रियली फेल्ट ब्यूटीफुल, ही इज़ कम अप एंड अभी फिल्म बनाने जा रहे हैं, आई एम श्योर ही विल डू ब्रिलियंट, ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे। मैं ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि मेरा लुक का राज राजू जी है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, उनका क्रिएशन है। मुझे सब फ्रेंड्स से अच्छी अच्छी कमेंट्स मिल रही है कि मैं शाहरुख खान जैसा देख रहा हूँ, तो राजू जी थैंक्स फॉर गिविंग मी न्यू लुक एंड कन्वर्टिंग अ कॉर्पोरेट गाय टू बॉलीवुड कंप्लीट बॉलीवुड हीरो। इनके अंदर कॉर्पोरेट वाली सीरियस इमेज आती थी हमेशा, उसको ब्रेक करते करते अभी इनकी भाषा भी और अच्छी करनी है हमको, हिंदी भाषा में कमांड लाओ, एक्टिंग में लाओ, एंड नाउ आई थिंक ही विल मेक इट, व्हाई नॉट। और राजू जी का आपको डायरेक्शन भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी सुपर हिट। थैंक्स राजू जी फॉर योर ऑल कंट्रीब्यूशन, इवन द पोस्टर्स यू सी
दोज आर डिजाइन एंड दोज आर ब्रेन चाइल्ड ऑफ राजीव जी. तो राजीव जी ने ऐसा नहीं किया कि मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ, ही वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड. बहुत बढ़िया यूथ का गाना है और भामरे साहब को और एलिना को बहुत शुभकामना कि मेलोडियस सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, यूथ को तो बहुत पसंद आएगा ही आएगा, हर वर्ग को पसंद आएगा. और सैन म्यूजिक के संजय को भी बहुत शुभकामनाएं, संजय अमन साहब को और तमाम टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा गाना, स्मूदिंग सॉन्ग लोगों तक तो पहुंचने जा रहा है. मेरी बहुत बधाई. बहुत अच्छी एक्टिंग, मुझे लगा था शायद सिर्फ प्रोड्यूसर ही है, लेकिन वो एक्टर भी बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा काम करना चाहिए और अलग अंदाज में लोगों तक पहुँचना चाहिए. सबसे पहले नमस्कार. मैं पीयू चौहान, आपकी अपनी इंडियन शखीरा. शांतनु जी के बारे में सबसे पहले दो शब्द बोलना चाहूँगी. वो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है और बहुत ही डाउन टू अर्थ है. एंड इनका जो सॉन्ग है तेरी आशिकी में, ये एक रोमांटिक केमिस्ट्री इसमें दिखाई गई है. इनके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राजीव चौधरी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको प्ले किया है और हिज लाइक सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग है. आपको बहुत पसंद आएगा और बेस्ट विशेज शांतनु जी एंड ऑल टीम. और शुक्रिया. उन्होंने एलिना ने जो इसमें काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है दोनों ने. और ख़ास करके राजीव जी का इसमें डायरेक्शन है, तो राजीव चौधरी जी ने डायरेक्शन भी बहुत अच्छा दिया. और मैं समझता हूँ कि आजकल के जो गाने चल रहे हैं उन गानों में ये गाना भी हिट होगा इनका. और नए लड़के आके, अभी आज की डेट में नए लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि हमें भी ये ऐसे उम्मीद बन जाती है कि भाई हमारे बाद भी आने वाली जनरेशन जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है. तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई जैसे आज ये गाना हमने जो देखा तेरी आशिकी में बहुत अच्छा लगा, सिंगर ने गाया भी अच्छा, म्यूजिक ने कंपोज भी अच्छा किया, लिरिक्स राइट, गीत भी बहुत, बोल भी बहुत अच्छे हैं. तो टोटलिटी में ये बहुत अच्छा प्यारा गुलदस्ता है. आई होप के बहुत अच्छा रहेगा. 2022 का एक सुपरहिट सॉन्ग होगा ये. सर कोई कोलैबोरेशन होगा इनके साथ आपका? रही बात मेरे कोलैबोरेशन होने की, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा ना कि नए लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक टीम बनी हुई होगी. अब हमारा काम है उन टीम को आशीर्वाद देना. रही बात अगर कभी शांतनु के या उनकी टीम को ऐसा लगा कि हाँ भाई दिलीप सेन, समीर सेन के साथ कुछ किया जाए, तो डेफिनेटली मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ. मगर मेरा तो ये मानना है कि एक बार अगर आपने नयों के साथ काम कर रहे हो उनके साथ करना चाहिए, क्योंकि आज उनको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि हम पुराने तो नहीं हो गए हैं, मगर फिर भी क्या होता है कि ये मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी कोई टीम टूटे. हाँ, मेरा सहयोग जहाँ उनको लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ. क्या करूँ यार, मेरे गाने तो बहुत गा चुका हूँ मैं, मगर इतना ही गाऊँगा. वो गाना बहुत चला था मेरा, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, यहाँ इस गाने के लिए और पोस्टर लगवा दो, खबर छपवा दो, तेरी आशिकी में 2022 का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग है. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. हमें पहले लगता था तेरी आशिकी में, बिल्कुल. और शांतनु जी और एलिना जी ने, दोनों ने जो परफॉर्मेंस की, हार्ड वर्क है, कैसा लगा वो गाना? और मुझे एलिना का जो, मतलब पहले तो मुझे लगा ये इस लड़की को हिंदी आएगी कि नहीं आएगी, कैसे किया. जब मैंने उनसे बात की, हेलो कैसे हैं आप, ओ माय गॉड, शी स्पीकिंग वेरी नाइस, मतलब रशिया की, और बहुत अच्छी हिंदी बोल रही है और ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल है. और एक हीरोइन के लिए परफेक्ट है. और हमारा हीरो तो है ना शांतनु, माँ आज सटक ली, सब कुछ करने का, जय खान चिकन का एक वाट नहीं करने का, करने का और दो चार एल्बम करने का, धमाल करने का. गाना हिट है इस बारिश का, बिल्कुल. मेरे दोस्त ने गाया है, अमन तिरेका ने, बहुत बढ़िया गाया. और क्योंकि मैं पर्सनल जानता हूँ अमन भाई के बारे में, तो यही कहूँगा कि, और उन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिया लोगों को कि भाई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. तो लोग जो इस वक्त हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस गाने को लाइक और शेयर करना, धमाल करना, ये गाना बहुत ऊपर जाएगा. क्योंकि इस गाने में थोड़ी फीलिंग मुझे लगी है, तेरी आशिकी मेरी आशिकी, लव यू भाई. सबसे अच्छी बात है उन्होंने एक बात को बहुत अच्छी कही कि ये एल्बम शायद उनकी कोई फिल्म बन रही है उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं. तो अच्छी बात है, आपको मतलब एक एल्बम जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों में कई बार जाता है, तो वो गाना जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा, ऑडियंस को भी
बूस्टअप मिलेगा कि एल्बम से भी लोग आगे जा सकते हैं, तो एक अच्छा रास्ता खोला है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सिर्फ नीता भानुशाली, मैं प्रोड्यूसर और एक्टर हूँ। बहुत अच्छा लगा आज इधर आके, जो म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ है तेरी आशिकी में, बहुत ही अच्छा लगा। जो शांतनु भामरे का जो एक्टिंग था, इट वॉज क्लास अपार्ट। और एलिना बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, रियली इट वॉज नाइस सीइंग हर। इवन लाइक इंडियन नहीं होके भी उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड वेरी एक्सलेंट हिंदी शी इज स्पीकिंग, सो प्राउड टू मेक हर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आशिकी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी गाना है, बहुत अच्छा चल रहा है, पिक्चरों के जैसा शूट किया है। लेकिन सैम म्यूजिक कंपनी के अच्छा प्रयास है और एक म्यूजिक कंपनी अच्छी आगे चल के निकलेगी ऐसा लगता है, और ये मेरी इन लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। अम्मा आपने एक्टिंग भी देखी वीडियो में, तो शांतनु जी का एक्टिंग आपको कैसा लगा? उनकी एक्टिंग और वो एकदम एग्रेसिव और जान लगा के काम किया है उन्होंने, अपने आप को साबित करने की कोशिश की है और एक अलग फील्ड से आके इस फील्ड में उन्होंने अच्छे तरह से निभाया है, और भगवान उनको सफलता दे। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस गाने को ज़रूर देखो, शेयर करो, अप्रिशिएट करो, लाइक करो, उसको वायरल बनाओ, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की। और आपने जो यहाँ पे मौजूद है, अपने सबने सुना है कि कितना ब्यूटीफुल गाना है, बॉलीवुड सॉन्ग है, और हमने उसको बॉलीवुड स्टाइल में बनाया, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि म्यूज़िक वीडियो है, ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का गाना है। एंड मेरे लिए तो इसलिए स्पेशल है क्योंकि म्यूज़िक वीडियोस मैंने बहुत किए हैं, बट बॉलीवुड स्टाइल में ये मेरा फर्स्ट म्यूज़िक एल्बम है। उसके अलावा तो ऑब्वियसली मेरी खुद की फर्स्ट मूवी में मैंने बॉलीवुड गाना किया है, बट म्यूज़िक एल्बम और बॉलीवुड सॉन्ग में फ़र्क तो है। तो मैं चाहती हूँ कि ये गाना वायरल हो जाए। और अमन त्रिखा ने बहुत अच्छा गाया, राजीव जी जो हमारे डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मेहनत कराई कि एक ही दिन के अंदर हमने पूरा गाना कंप्लीट किया। आई थिंक ये सिर्फ उनके वजह से हमने ये कर पाए। प्लस शंतनु जी बहुत ही मेहनत कर रहे थे इस गाने के लिए, उनका फर्स्ट म्यूजिक एल्बम है और उन्होंने बहुत अच्छा किया। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये अच्छा माहौल था क्योंकि मैं शंतनु जी को पहले से ही जानती हूँ, तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही हम्बल पर्सन है। और राजीव जी से भी मैं उससे पहले बहुत बार मिल चुकी हूँ, हमारा रिहर्सल भी हो चुका है, और सब मैं मोस्टली सबको ही जानती थी, तो इसलिए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रेशर है कि शूट चल रहा है। इट वॉज अमेजिंग, बट पता ही नहीं चला कि सुबह से रात कब हो गई और हमने शूट भी कर लिया। यस, वन डे शूट हमने माँ डायलैंड में शूट किया। हमारा एक्चुअली प्लान था कि कहीं बाहर जाके शूट कर ले, बट ये आपको भी पता है कोरोना का सिचुएशन आजकल जो चल रहा है, उसके वजह से हम जा नहीं पाए। बट बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट उन लोगों ने ढूंढा, एंड बहुत ही अच्छा बनाया, जो भी बनाया आई होप आपको अच्छा लगे। तेरी आशिकी में प्लीज़ ज़रूर देखना। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक रोमांटिक वीडियो, उसमें केमिस्ट्री को दिखाया है कि एक कपल एक दूसरे से, मतलब एक रोमांटिक कपल है कि हीरो हीरोइन एक दूसरे से प्यार करते हैं, जैसे वही बॉलीवुड मूवीज में जैसे बीच में गाने नहीं आ जाते ऐसे, वो हनीमून पे चले गए, दैट काइंड ऑफ सॉन्ग। बात तो चल रही है, बट ये बात आप बेहतर शंतनु जी से पूछो।